नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पासी सेना के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आए पासी सेना के जिला प्रभारी चंद्रकांत सरोज ने बताया कि समाज कल्याण के निदेशक द्वारा SC/ST के छात्र छात्राओं को बीएड में प्रवेश से वंचित करने के लिए जीरो बैलेंस को खत्म करने का काम कर भारी रकम फीस कर दिया गया है, जिससे कि SC/ST के छात्र छात्राएं बीएड करके शिक्षक ना बन सके। इसलिए समाज कल्याण निदेशक ने अपना तुगलकी फरमान जारी करके SC/ST के छात्र छात्राओं को शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। यदि जीरो बैलेंस खत्म कर दिया जाए तो SC/ST के गरीब छात्र छात्राएं बीएड कर पाएंगे। पासी सेना जनपद आजमगढ़ की तरफ से ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से कि समाज कल्याण निदेशक द्वारा जारी किए गए फरमान को निरस्त किया जाए, जिससे कि SC/ST के गरीब छात्र छात्राएं बीएड में प्रवेश ले सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम सभी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए SC/ST के छात्र छात्राओं के साथ बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। मैं चंद्रकांत सरोज, पासी सेना जिला प्रभारी आजमगढ़ से। क्या मामला क्या आप लोग आज जिला अधिकारी कार्यालय पे हम लोग इसलिए आए हुए हैं, जो पहले से हमारे SC/ST के बच्चे पढ़ाई करते थे उन्हें स्कॉलरशिप दी जा रही थी। आज समाज कल्याण निदेशक साहब के आदेशानुसार इसे खत्म किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे SC/ST के गरीब बच्चों के साथ यह खिलवाड़ न किया जाए और इसे बहाल किया जाए, ताकि हमारे गरीब बच्चे भी विद्यालय में पढ़ सकें। आपने ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन मिला? आपने ज्ञापन दिया तो आश्वासन मिला? आश्वासन तो मिला है साहब के यहाँ से, कहें कि आपके आवाज़ को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँगे, आग्रह करेंगे कि आपकी फरमान को बहाल किया जाए। आश्वासन तो ठीक मिल रहा है। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपको क्या रणनीति है? अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारे छात्र छात्रा गरीब मजदूर मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पासी, पासी सेना जिलाध्यक्ष आजमगढ़ एवं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन ब्लॉक अध्यक्ष बिलरियागंज। यह मामला ये है कि बीएड में जीरो बैलेंस जो हमारे SC/ST के छात्र पढ़ाई कर लेते थे, आज की तारीख में उसको खत्म कर दिया गया है। उसको बहाल करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, DM साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन हम लोग दिए हैं कि जो कि हमारे वहाँ जाए, हमारे मांगे सुनी जाए और जो छात्र छात्रा बीएड में प्रवेश वंचित करने के लिए जीरो बैलेंस को खत्म करने का काम कर भारी भरकम फीस कर दिया गया है, जिससे कि SC/ST के छात्र छात्रा बीएड करके शिक्षक न बन सकें। इसलिए समाज कल्याण निदेशक ने अपनी तुगलकी फरमान जारी करके SC/ST के छात्र छात्रों का बीएड की शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। तो आप लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि उसको फिर उसको बहाल किया जाए, फिर से बहाल किया जाए, जो अपना संदेश जो इसको लागू किया गया उसको वापस लिया जाए और जो पहले था वही चले और हमारे गरीब छात्र छात्राएं SC/ST के लोग अपनी पढ़ाई कर सके और टीचर भी बन सके और अपनी सेवा सरकारी विभाग में दे सके।